तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेंग जियांग को, जो कि एक सोफे पर मेंढक की तरह पड़ा हुआ था। और फिर वो मास्क मैन उससे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जेंग जियांग उठ जाता है और वो कहता है कि करना क्या है, बस हम उसका इंतज़ार करेंगे। और वैसे भी वो स्टार स्प्रिंग अपने मास्टर के साथ मर्ज नहीं हुआ है, तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ये सुनकर वो मास्क मैन कहता है कि हम लोग और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, हम लोग जितनी ज़्यादा देर लगाएंगे हो सकता है कि उस स्टार स्प्रिंग को हासिल करने के लिए उतने ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएं। तो जेंग जियांग कहता है कि मैं मानता हूँ कि और भी बहुत सारे कल्टिवेटर्स हैं जो कि उस स्टार स्प्रिंग को गार्ड कर रहे हैं, मगर तुम जब तक उस स्टार स्प्रिंग को हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम अपने फुल पावर्स को शो भी नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वेट करो, जब तक एंसेस्टर लैंड तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेता और वो स्टार स्प्रिंग अपने मास्टर के साथ पूरी तरह से मर्ज नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जब तुम्हें मौका मिले तब तुम स्ट्राइक करना। तो मास्क मैन कहता है कि अच्छा तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर जेंग जियांग कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम उसे अपना डिसाइपल बना लो और उसे अपने सेक्ट ले जाओ, या फिर तुम उसे मार दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मास्टर बेन चेन को जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे, और वो देखते हैं कि सुजियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने अपने एक हाथ के इशारे से ही एक पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। ये सोचने के बाद वो कल्टीवेशन को रोक देता है, जिस पर युआन डोंग भागता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर अब आप कैसे हैं। तो मास्टर कहता है कि मैं अब काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। तो युआन डोंग कहता है कि अगर आप ठीक हो चुके हैं तो फिर साथ चलें, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। मगर मास्टर बेन चेन मिंग्यू के बारे में सोचने लगते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने अपने ओरा से ही मास्टर को इंजर्ड कर दिया था। ये सोचने के बाद युआन मिंग उसे नीचे उतारता है, जिसके बाद युआन मिंग मास्टर से कहता है कि आप अभी भी इंजर्ड हैं। तो मास्टर कहता है कि बस दो दिन और आराम करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो युआन मिंग कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मास्टर उससे कहता है कि हम लोग अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करूँगा। तो युआन मिंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी लाइफ वैसे ही अब बहुत कम रह गई है, मुझे डर है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी जान को ख़तरा होगा। तो मास्टर कहता है कि मैं अब वैसे भी मरने वाला हूँ, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक हमें रास्ता तलाश करना होगा, हमें किसी न किसी तरीके से उस लड़के के करीब जाना होगा और उससे जाकर हम लोग अच्छे तरीके से अपील करेंगे। अगर वो राज़ी हो जाता है तो हम उसे अपने सेक्ट ले जाएंगे, अगर वो नहीं मानता तो फिर हमें एंसेस्टर मास्टर को समन करना होगा। वो अभी बातें कर रहे होते हैं कि युआन डोंग आ जाता है और वो कहते हैं कि आप लोग अभी तक बातें कर रहे हैं, चलो चल के खाना खाते हैं। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं साइबोर्ग एक टेबल पर उदास बैठा हुआ होता है कि अचानक से एक सिपाही उसके पास आता है और उससे कहता है कि कैप्टन, हेडक्वार्टर से सुजियान की कल्टीवेशन के सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि हेडक्वार्टर सुजियान के सारे रिसोर्सेज यहाँ क्यों भेज रहा है। तो ब्लू हेड कहता है कि लगता है कि टीम 3 ने सुजियान के ट्रांसफर पेपर अभी तक तैयार नहीं किए होंगे। ये सुनकर साइबोर्ग कहता है कि नहीं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, वो हर काम पहले से ही करके रखते हैं। तो ब्लू हेड कहता है कि हो सकता है कि मिस शुआनमिंग ने सुजियान को टीम 3 जाने से रोक लिया हो। ये सुनकर साइबोर्ग कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, और फिर उसे मिस युआनमिंग नज़र आने लगती है, जिसमें वो देखता है कि मिस युआनमिंग उस पर फिदा हो चुकी है। मगर अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आने के बाद वो कहता है कि ये ज़रूर मिस शुआनमिंग ने ही किया होगा, वही ऐसा कर सकती है। ये कहकर वो सुजियान के सारे रिसोर्सेस लेने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक ईगल को जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था और उसके ऊपर एक शख्स खड़ा था। वो ईगल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है, जिसके बाद हमें नीचे एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम डी जियांग है। वो बंदा ईगल से उतर के उसके सामने आ जाता है और डी जियांग से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो डी जियांग कहता है कि लियो चेंग मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हें ऐसे मिलने के लिए नहीं बुला सकता। तो लियो चेंग कहता है कि डायरेक्ट मुद्दे की बात करो। तो डी जियांग कहता है कि क्या तुमने मास्टर ऑफ द स्टार स्प्रिंग के बारे में सुना है। तो लियो चेंग कहता है कि क्या तुम उसी लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो। तो डी जियांग कहता है कि हाँ वो अब आ चुका है। तो लियो चेंग कहता है कि वो तो एक लेजेंड है। तो डी जियांग कहता है कि कहा जाता है कि जब मास्टर ऑफ द स्टार स्प्रिंग आएगा तो हेवन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये कहकर वो आर्ट ऑफ द स्टार स्प्रिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसे देखकर लियो चेंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम सोल फॉर्मेशन यूनिटी स्टेज पे आ गए हो, क्योंकि ये टेक्निक तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो
यूनिटी फॉर्मेशन स्टेज के हों, मगर डी जियांग कहता है कि ये वीडियो यानी स्टेट आर्मी की तरफ से रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि आसमान से एक गोल्डन लाइट ज़मीन की तरफ आती है और वो जियांग सिटी पर लैंड करती है। और मिस शुआनमिंग ने अपनी यानी स्टेट आर्मी को उसके तलाश के लिए भेजा था। उन लोगों ने उसे बहुत तलाश किया मगर वो लोग कामयाब नहीं हुए। और दूसरी तरफ टीम थ्री का कैप्टन जो कि कैप्टन जाओ है, वो भी उस मास्टर ऑफ द स्टार स्प्रिंग की तलाश में निकला हुआ है। और इसके अलावा मास्टर बेन चेन जो कि एक मॉन्क हैं, वो अपने एक सीनियर डिसाइपल के साथ शहर की तरफ आ चुके हैं और वो भी उस मास्टर को तलाश कर रहे हैं। और जहां तक बात है डीमन सेक्ट की, तो उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही जियांग सिटी के पास ही एक ब्लड एरे फॉर्मेशन क्रिएट की थी जो कि बहुत ही आसानी से तोड़ दी गई, जिसकी वजह से वो लोग फेल होकर वहाँ से भाग गए थे। ये सुनकर लियो चेंग कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो डी जियांग कहता है कि मुझे वो स्टार स्प्रिंग चाहिए। तो लियो चेंग कहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो डी जियांग कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसा कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा कि जिससे तुम आसानी से सोल फॉर्मेशन तक आ सकते हो। और इस पर उन दोनों की डील हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।